हम पहुंच गए हैं क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के तीसरे और आखिरी डबल मुकाबले में। सबसे पहले ऐश मुकाबला करेगा क्लार्क से, इसमें से जो जीता वो जाएगा विक्ट्री टूर्नामेंट में। वाह, कहीं वो कोई मूवी स्टार तो नहीं है ना मैक्स? इसमें लिखा है सब उसे क्लार्क म्यूजिक वाला कहते हैं, क्योंकि मुकाबला करते वक्त वो अपने पोकेमोन को ऐसे ऑर्डर देता है जैसे कोई सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिशियन को देते हैं। बाहर आ जाओ ग्लेली और ग्रोवाइल। बाहर आओ चारिज़ार्ड और क्विलावा। ऐश ने सही पोकेमोन को चुना है ना? लेकिन क्लार्क के पोकेमोन भी कम नहीं हैं। हाँ, दोनों भी फायर टाइप हैं। मेरे पोकेमोन तुम पर भारी पड़ेंगे जैसे मेरे सुर सब पर भारी पड़ते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब पोकेमोन की बात होती है तो सिर्फ टाइप से कुछ नहीं होता। मैच शुरू करो। चारिज़ार्ड पर पाउंड अटैक करो, ग्रोवाइल, ग्लेली, क्विलावा पर हेडबट इस्तेमाल करो। क्विलावा फ्लेम व्हील और चारिज़ार्ड हीट वेव। क्लार्क ने पहली बाजी मारी, फ्लेम व्हील और हीट वेव अटैक सही निशाने पर लगा। मुझे लगता है आज के दिन को नाम देना चाहिए ऐश की तबाही। ये क्लार्क की बात ही कुछ और है। पर वो नहीं जीतने वाला। ग्लेली, उन पर आईसी विंड अटैक करो। ऐश ने फौरन जवाबी हमला किया, पर इस अटैक से उन पर कोई असर नहीं हो रहा। अब वक्त है दूसरे सुर को आजमाने का। चारिज़ार्ड ग्रोविल पर स्टील विंग अटैक, ग्लावा ग्लेली पर क्विक अटैक करो। ग्रोवाइल और ग्लेली, आखिरी वक्त पर उनसे बचना। सब सही है, सारे सुरताल लय में हैं। माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे ऑर्केस्ट्रा का मेंबर नहीं हूँ। ग्लेली, हेडबट से मारो और ग्रोवाइल तुम पाउंड अटैक करो। अब वक्त है थोड़ा ऊंचा सुर लगाने का। ग्लावा अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करो और बचो। तो कैसा लगा? रफ्तार हमारे पास भी है। हाँ, मुझे दिखाई दिया। डबल वार, मुझे पूरा यकीन है क्विलावा को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा। तो फिर लगता है मेरे अटैक में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, ऐसा कुछ जिससे ऑडियंस को भी सुनकर मजा आ जाए। क्विलावा क्विक अटैक इस्तेमाल करो ग्लेली पर और चारिज़ार्ड हीट वेव। ग्रोवाइल, ग्लेली को बचाओ। ग्लेली, जल्दी से आईसी विंग। अटैक्स आपस में टकरा गए जिससे एक धमाका हो गया। सुनो ग्रोवाइल, क्विलावा पर जल्दी से पाउंड। क्विलावा नहीं, ग्रोलावा की निकल गई हवा। क्लार्क अब मुसीबत में है, अब उसे ऐश के दो पोकेमोन का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे बेसुरे सुरों ने मेरा परफॉर्मेंस खराब कर दिया, लेकिन अकेले परफॉर्म करने में और मजा आता है। चारिज़ार्ड ग्रोविल पर स्टील विंग का इस्तेमाल करो। ग्रोवाइल, जैसे पहले किया था वैसे आखिरी वक्त पर उससे बचना। वापस आना तो बनता है। वो ग्रोवाइल को लगा कि गाना खत्म हो गया और स्टील विंग ने उसे सुला दिया। नहीं ग्रोवाइल, ग्रोवाइल का बच गया बाजा। क्लार्क ने करवाया एक सरप्राइज अटैक और अब इस मैच में दोनों ट्रेनर्स के पास एक ही पोकेमोन बचा है। सिर्फ एक हमले से ही उसने ग्रोवाइल को हरा दिया। उसका चारिज़ार्ड ताकतवर है। मजा आ रहा है और अब ग्रैंड फिनाले की बारी है। चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोवर। लेली, जमीन पर आइस बीम अटैक करो। ने समझदारी के साथ फ्लेम थ्रोअर को आइस पिलर्स अटैक से रोक लिया। पसंद आया? ये बात है तो हम ऊपर से अटैक करेंगे। चारिज़ार्ड स्टील विंग अटैक। जाओ ग्लेली, डबल टीम अटैक से बचो। बच्चों वाली हरकत। सुनो चारिज़ार्ड सब पर स्टील विंग से हमला करो। पहले ग्लेली की मदद कर रहे थे पर अभी वो प्रॉब्लम बन गए हैं। हाँ ग्लेली अब तो फंस गया। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कूदते रहो ग्लेली और जबरदस्त रफ्तार पकड़ लो। ऐश ने अब हालात बदल दिए हैं। अब चारिज़ार्ड को समझ नहीं आ रहा कि ग्लेली कहाँ से हमला करेगा। चारिज़ार्ड हवा में जाओ और ऊपर से अटैक करो। ओ, अच्छा, पूरी रफ्तार के साथ हेडबट अटैक।
शॉट की पत्ती हो गई कुल, ग्लेली जीत गया और ये मैच जीता है एश ने। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत ही कमाल की जीत हासिल की है एश कैचम ने अपनी तकनीक और मुश्किलों का सामना करते हुए। बहुत